सागर में सुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम रामटेक में पुराने रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोपी करीब एक सप्ताह पहले ही जेल से छूटकर आया था। वो पत्नी को जलाने के प्रयास के मामले में जेल में बंद था। वहीं घटनाक्रम की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाया। मामले में आरोपी रूप सिंह लोधी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के बेटे तेज राम और सोमपाल लोधी ने पुलिस को बताया कि करीब रात में 8 बजे वे अपने पिता हल्लू उर्फ निर्भय सिंह और चाचा बड्डा लोधी के साथ घर से गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। रास्ते में मंदिर के पास पिता रुके और गांव के लोगों से बात करने लगे। इसी दौरान रूप सिंह लोधी निवासी रामटेक अपनी मोटरसाइकिल के साथ आया और गाली गलौज करने लगा। उसके हाथ में चाकू था। पिता ने गाली देने से मना किया तो रूप सिंह ने पिता के सीने पर चाकू दे मारा। चाकू लगते ही पापा जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। तुरंत उन्हें सुर्खी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान निर्भय लोधी ने दम तोड़ दिया। सुर्खी थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी रूप सिंह लोधी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मृतक निर्भय के भाई महेश कुमार ने बताया कि करीब 3 साल पहले गांव के ही रूप सिंह के साथ विवाद हुआ था और प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। इसी विवाद के चलते उसने हत्या की है। आरोपी रूप सिंह अपनी पत्नी को जलाकर मारने की कोशिश के मामले में करीब एक सप्ताह पहले से ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और इसी दौरान उसने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। एडिशनल SP विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।